बिसमिल्ल आर नाजरन हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगश नाजरन वैसे तो कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान में सालाना जो है तकरीबन सात लाख घरों की ज़रूरत है और हर साल जो है साढ़े तीन लाख घर बनते हैं और साढ़े तीन लाख घरों की जरूरत बाकी रह जाती है और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो साढ़े तीन लाख घरों का खसारा है वो इस वजह से है कि हाउसिंग के शुबे में फ़्राड बहुत ज़्यादा है अब हाउसिंग का जो शुबा है उसमें फ़्राड इसलिए भी ज़्यादा हो गया चूँकि जो भी ज़मीनों का धंधा करता है वो फिर अपने साथ साथरती कातल अफ़गानी ख़ास तौर पर मिला लेता है चूँकि ज़मीन का जो कारोबार था कि लोगों को प्लाट दिए जाएँ लोग अपने घर बनाएँ लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाहौर कराची इस्लामाबाद रावलपिंडी यहाँ पर ज़मीन के कारोबार से जो वाबस्त लोग हैं वो आ, ऐसे इश्त्यारी और उजरती कतलों को अपने साथ मिला लेते हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं और फिर अफ़गानियों की ज़्यादा खिदमत हासिल की जाती हैं क्योंकि अफगानियों की ये सहूलत होती है कि इधर वो बंदा वो मार भी दें तो आराम के साथ सराद पार चले जाते हैं फिर मामला जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर आ जाते हैं अपने गुरुओं के पास और गुरुओं के कहने पर फिर वो वारदातें करते रहते हैं गुज्त दिनों नाजरीन हमने आपको बताया कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में अंधा धुंध फायरिंग हुई थी वहाँ पर खोखर बरदरान और राजा अरशद के बंदों के दरम्या तसादम हुआ था राजा अरशद ग्रुप का ये कहना है और वो किसी हद हाँ तक सच्चाई पे खड़े नजर आते हैं कि वो जो वहाँ पे ज़मीन है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की वो उनकी मलकियत है और उन्होंने माल की जिनकी जद्दी पुश्ती जो मालिक थे उनसे वो ज़मीन खरीदी हुई है और अब उसकी तहकीकत भी हो रही हैं डिमारकेशन भी हो रही हैं लेकिन जो अंधा धुंध फायरिंग हुई और उसमें अफगानी देखे गए उसकी सी सी टी वी फुटेज भी सामने आई वो हसासदारों ने भी हासिल की और इसके साथ साथ रावलपिंडी पुलिस ने भी वो सारी रिकॉर्ड इसका हासिल किया है कमिश्नर रावल पिंडी को भी वो सारा रिकॉर्ड जो है वो दिखाया गया है बुनियादी मसला ये है कि वो चक्री रोड हो या चकबेली रोड हो या जीटी रोड हो या फिर अंदरूने शहर ये जिस तरह एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो रावल पिंडी की अंदरूनी शहर हाउसिंग सोसाइटी है और बड़ी कीमती ज़मीन अब तक हो चुकी है वहाँ पर सफदर खोखर एंड कंपनी जो है वो ये चाहती है कि इस ज़मीन पर कब्जा कर लें और उनके साथ जैसा कि हमने अपनी वीडियो में दिखाया भी था कि भारी भरकम जो है वो बड़ी तादाद जो है अफ़गानियों की है तो उस दिन जो उन्होंने अपनी धाक बिठाने के लिए राजा अरशद के पलाजे को उन्होंने तोरा बोरा बना दिए थे वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी कि हालांकि उसके प्लाजे में कोई बंदा नहीं था लेकिन जिस तरीके से फायरिंग की गई उसका मकसद ये था कि अहले इलाका जो है वो भी डर जाए उनको पता है हो कि किसकी दहशत है किसके पास असला ज़्यादा है चूंकि गोलियों की बछाड़ थी और राजा अरशिद का प्लाजा था फिर इसमें फ्री कैन ने थाने से भी रजू किया मुकदमात भी अंदराज हुए लेकिन ये जो मुकदमात होते हैं जाहिर है कि एक फ्ररीक जो है वो उसका अपना मौक़ होता है दूसरे फ्रीक का अपना मौक़ होता है लेकिन हमारे हाथ जो वीडियो लगी हमने आपको दिखाया और फिर बड़े पैमाने पर पे आपको याद होना चाहिए कि चक्री रोड पर ऑपरेशन भी हुआ था जो अफगानी थे जो मुजरमान थे जो इश्तारी लोग जो थे वो बड़े पैमाने पर पे पकड़े भी गए थे और असला भी बड़े पैमाने पर पे बरामद हुआ था लेकिन ये अब जो अंदरूनी शहर जो हैं वो हमारे इदारों को चाहिए कि एक एक सोसाइटी जो है वो उनके सारे जो हैं तलाशी लेनी चाहिए कि किसने कितने अफगानी रखे हुए हैं कितने उजरती कातल उनके पास हैं कितने इश्तारी मुलजमान उनके पास हैं और फिर ये एक और फुटेज नाजर जो मिली है जो हमारे हसासदारों को भी गई है सोशल मीडिया पर भी बड़ी वायरल हुई है कि इसमें अगर आप देखें इस सी सी टी वी फुटेज में तो ज़्यादातर आपको अफगानी जो है वो आची असला जो है वो लहराते हुए नज़र आएंगे फायरिंग करते हुए नज़र आएंगे अब जहाँ ये वीडियो बनी है जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पर अगर देखें जो बच्चे जो इस इलाके के रैशिया हैं उन्होंने इन अफगानियों को इस असले के साथ देखा होगा तो मेरा ख्याल सारी ज़िंदगी उनके अंदर से ये खौफ नहीं जाएगा और जो बाक़ी फैमिलियाँ जो वहाँ पर रहती हैं शरीफ शरफा जो रहते हैं उनके अंदर से भी खौफ नहीं जाएगा चूँकि आए रोज़ का ये काम है रावल पिंडी इस्लामाबाद में अफगानी जो हैं वो दनदनाते आप ये देख लें सी सी टी वी फुटेज जो हमारी स्क्रीन पर चल रही है किस तरीके से वो बड़ी बड़ी क्लाशन कोफ और दूसरा जदीद असला लिए जो हैं वो गली मोहल्लों में ये फायरिंग का वाक़ है और ये फायरिंग जो है ये अफगानी जो है वो राजा अरशद की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बना रहे हैं और उनके बंदों को पसपा करने के लिए ये फायरिंग कर रहे हैं लेकिन नाजरीन ये असला किसी के पास भी हो जाहिर है ये जानलेवा होता है और सदारों को भी और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसा कि पुलिस है रेंजर्स है उनको बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को गैर गैरमसल किया जा सके और जो रिकॉर्ड याफ्तर मुजरमान है उनको कानून के कटहरे में लाया जाए उनको गिरफ़्तार किया जाए उनको डियाला जेल भजवाया जाए लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो ही पुलिस जो है इनका पीछा करती है तो ये सारे के सारे जो मुजरमान हैं गायब हो जाते हैं इधर उधर गायब हो जाते हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह और फिर निकल आते हैं और रावल पिंडी इस्लामाद में अगर आप देखें तो जराम की शराब भी इसीलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो हर वक्त तो इनसे काम नहीं लेते उन्होंने तो कभी कभार किसी ज़मीन पर जाके कब्जा करना होता है आम दिनों में जब ये फिर अफ़गानी फारग होते हैं तो मोटरसाइकिल पर दो तीन ग्रोह बैठता है तो जाके लोगों किसी का पर्स छीन लिया किसी से मोबाइल छीन लिया किसी को बैंक से निकलते उनसे रकम छीन ली तो इसला अवाल की बहुत ज़रूरत है ये ना सिर्फ़ सी पी ओ रावल पिंडी बल्कि कमिश्नर रावल पिंडी की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस सी सी टी वी फुटेज से पूरी तरह मदद हासिल करें और ये इन चेहरों को शनाख्त करें और इनको गिरफ़्तार करें और ये जितना असला इन्होंने उठाया हुआ है इसको गैरमसल किया जाए और सरकारी तौर पर इनसे कब्ज़े में लिया जाना चाहिए शमशाद मांगठ को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ